हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाश्वत भल्ला एंड वेलकम बैक टू लीग 11 यूट्यूब पेज। इंडिया श्रीलंका के बीच चल रही सीरीज, जिसके पहले 3 मैच की ODI सीरीज थी, वो अब खत्म हो चुकी है एंड इंडिया 2-1 उस सीरीज को जीती है। इंडिया की जो T20 सीरीज है वो भी 3 मैच की सीरीज होने वाली है और वो कल से शुरू होने वाली है। इस सीरीज के प्रीव्यू और काफ़ी सारे क्रिकेटिंग मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज निर्भय भैया हैं, जो खुद क्रिकेट खेल चुके हैं और अभी भी क्रिकेट को काफ़ी पैशनेटली फॉलो करते हैं। हेलो भैया, कैसे हो आप? आई एम गुड, यू? आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ भैया। तो इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज जो कल से स्टार्ट होने वाली है, ये इंडिया के पास एक सॉर्ट ऑफ लास्ट मौका है स्क्रीनिंग करने का उन प्लेयर्स का जो हमें T20 वर्ल्ड कप में जो स्पॉट्स खाली हैं उसके लिए लास्ट चांस है इंडिया के पास देखने का कि कौन कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि इसके पास इसके बाद सिर्फ IPL रह जाएगा प्लेयर्स को अपना बेस्ट दे के दिखाने का। लेकिन इस टाइम पर जो परफॉर्म करेगा, जिन जिन प्लेयर्स को चांस मिला है वो एक बहुत आगे हो जाएंगे इसमें। कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनकी तरफ आप देख रहे हो T20 सीरीज के लिए जो कल से स्टार्ट होने वाली है? देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो जैसे ही ये सीरीज जो आने वाली है और आपने अभी IPL की बात करी, तो IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए जो जनरली और किसी क्रिकेटर्स के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, जो लाइमलाइट होती है और जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स इंडियन कंडीशंस में अपने आप को ढालते हैं, और जो IPL अभी हाफ IPL जो हुई उसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स उभर के आए। एक का नाम था चेतन सागरिया आया, उनको इंडिया कॉल अप भी मिला अपने से, क्योंकि वो वनडे और मतलब वो डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन सिर्फ IPL के बेसिस पे ज़्यादा देखा जाए तो उसके बेसिस पे उन्हें इंडिया कॉल अप मिला। क्योंकि मेरे को जो एक रीज़न लगता है उनके आने का, वो है लेफ्ट आर्म पेसर है वो, और लेफ्ट आर्म पेसर को इंडिया की बहुत टाइम। देखिए, लेफ्ट आर्म पेसर है, और दूसरी बात अगर जो देखी जाए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े विकेट्स लिए, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लेफ्ट आर्म थे। एक कॉन्फिडेंस दिखा मेरे को उनका खेलते हुए फील्ड पर, कहीं भी आप उन्हें खड़ा कर लीजिए फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। एक क्विक लेफ्ट आर्म बॉलर है, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, क्योंकि लेफ्ट आर्म वैसे भी टफ होता है खेलना एज अ राइटी बैट्समैन, किसी के लिए भी टफ होता है, छाती पे बॉल आके लगती है लेफ्ट आर्म बॉलर्स की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना। और देखिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए जो अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि इंडियन प्लेयर्स के लिए कौन से जो स्पॉट्स हैं जो खाली रहेंगे और जो उन्हें पिक करने चाहिए, देखिए शिखर धवन एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कैप्टनशिप क्यों दी गई? कैप्टनशिप उनको इसलिए दी गई क्योंकि जब आप एक लीडर बन जाते हैं तो आपके एक थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एज अ प्लेयर मैं डिफरेंट हूँ, एज अ लीडर मैं डिफरेंट हूँ। वेन आई एम अ लीडर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करता हूँ। जहाँ पे मैं एक एज अ नॉर्मल प्लेयर मैं 10-20 रन बनाता हूँ, जब मैं कप्तान हूँ तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं 50 रन करूँ, 70 रन करूँ, टीम को जिताऊँ, क्योंकि बैकिंग होती है। फिर एक आप इस चीज़ को मान के चलिए कि राहुल द्रविड़ इस बार जो आपके कोच हैं, राहुल द्रविड़ इज़ अ परफेक्शनिस्ट, ये हमें हमेशा से हमें देखने को आया है। मैंने काफ़ी क्रिकेट देखी थी, तो राहुल द्रविड़ टीम के लिए खेलते हैं, टीम प्लेयर हैं, तो राहुल द्रविड़ ये कि टीम बिल्ड कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप से पहले जो ये T20 की जो सीरीज़ है श्रीलंका की, ये मेरा मानना ये होगा कि ये एक टीम बिल्डिंग प्रोसेस है, ये इससे एक टीम बिल्डिंग बनेगी। सूर्य कुमार यादव मुंबई के बहुत अच्छे प्लेयर, जो कि अभी आपने देखा कि कैसे इंडियन टीम में उनकी एंट्री हुई, आज उनका मेडन टेस्ट कॉल अप भी आ गया, मेडन टेस्ट कॉल अप जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, इंग्लैंड के लिए भी आ गए हैं देख लीजिए। और एक जो कॉन्फिडेंस है ऐसे प्लेयर्स का, वो बिल्कुल एक पक्के हुए चावल की तरह, चावल लगता नहीं है बिल्कुल भी, डोमेस्टिक में रन मारते हैं वो, क्रिकेट में वो बिल्कुल ऐसे हैं कि रेडी फॉर इंटरनेशनल आई बिलोंग हियर। देखिए, मैं बैटिंग करता हूं, मैं इसके पीछे का आपको रीजन बताता हूं क्या होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया की इस वक्त इतनी टफ हो चुकी है कि कोई भी जो बेंच स्ट्रेंथ है, फुटबॉल में एक बात कही जाती थी कि जो टीम आपकी प्लेइंग 11 है उतनी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास इस वक्त कम से कम 32 ऐसे प्लेयर है जो रिप्रेजेंट आपको इंडिया के लिए कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, T20 वर्ल्ड कप मान लीजिए, 50 ओवर क्रिकेट मान लीजिए, टेस्ट क्रिकेट मान लीजिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी शॉ बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में, उन्हें बाहर निकाला गया, फिर उन्होंने कम बैक किया, वजह से वो बाहर हो गए थे। विजय हजारे में कम बैक किया, 800-900 रन बनाए, 27 रन रिकॉर्ड, किसी ने कभी 800 का रन नहीं बनाया विजय हजारे। एग्जैक्टली उन्होंने 800 कुछ रन, 100-150 के स्कोर्स, 180 के स्कोर्स, उन्होंने सिर्फ 100 नहीं मारी, उन्होंने बड़े रन मारे, और जब आप बड़े रन मारते हो तो आप आई कैच ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े रन से होता क्या है कि जब रन अंडर द बेल्ट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर हो जाता है। तो रन करके जब कोई प्लेयर टीम में आता है तो उसकी छाती अलग तरीके से चौड़ी होती है कि मैंने तो भाई रन किए हैं, और टच प्लेयर है, टच प्लेयर है, और फिर आप देखिए एग्रेसिव प्लेयर, वो कोई ओपनिंग में रुकते नहीं है, और वो जब अग्रेसिवली खेलते भी हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो आड़े तिरछे शॉट जैसे कोई हिटर होता है, कन्वेंशनल बैटिंग करते हैं, कट्स हैं उनके पास, ड्राइव्स हैं, फ्लिक्स मारते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। और एक प्लेयर की अगर बात करें नितेश राणा,
लेफ्टी। मैंने आपको हमेशा ये बताया है लीग इलेवन के प्लेटफॉर्म्स में, पहले भी आया हूँ, मैंने ये बात शेयर करी थी लीग इलेवन के प्लेटफॉर्म पे कि लेफ्टी राइटी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो टोटली एक माइंडसेट को चेंज कर देता है ऑपोजिशन के। क्योंकि होता क्या है, एज अ बॉलर आप आगे बॉल डालते हैं एक राइटी को, तो आपको जब आप लेफ्टी को आगे आप डालते हैं वो बॉल, तो कम्प्लीटली सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। फील्डर्स को भी इधर उधर जाना पड़ता है और लाइन चेंज करनी पड़ती है, लाइन चेंज, लेंथ चेंज, वो रिदम नहीं बन पाता बॉलर का, बैट्समैन को प्रॉब्लम हो जाती है बॉलर को डालने के लिए कि राइट ही लेफ्टी का सिचुएशन है। और दूसरी बात अगर देखें तो इंडिया इस वक्त, अभी अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी तो उनके सामने एक बहुत अच्छी ऑपोजिशन थी न्यूजीलैंड ने। देखिए होता ये है कि ऑलवेज बेटर टीम्स ऑलवेज विंस द मैच। तो बट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे आने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, जब आप शिखर धवन की अगर हम बात करें एक बार दोबारा, तो शिखर धवन थोड़े टाइम पहले तक फ्रेम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, पिछले आईपीएल से पहले तक वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, केएल राहुल को ओपनर की तरह देखा जा रहा था टी20 के लिए, शिखर धवन एक तरीके से बाहर हो गए थे। लेकिन फिर वो जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में रन मारे 2020 वाला, फिर ये जो फर्स्ट फेज ऑफ द आईपीएल हुआ, उन्होंने जिस तरह से रन मारे, उन्होंने फोर्स किया अपना कमबैक एक तरह से, और फिर उन्होंने आके इंडिया के लिए भी रन मारे, तो वो अचानक से दोबारा स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए। और वर्ल्ड टी20 के लिहाज से अगर देखें तो इस टाइम पे एक जो फिक्स ओपनर मेरे को दिख रहे हैं वो रोहित शर्मा, तो ऑब्वियसली कोई अनडाउटेडली चाहे उनका कैसा भी आईपीएल हो वो ओपन तो जरूर करेंगे। उनके साथ अब ऑप्शन आ गए हैं केएल राहुल, पृथ्वी शॉ ने भी अब टी20s में भी देखना पड़ेगा वो कैसा खेलते हैं बच्चों, आईपीएल में भी, और विराट कोहली ने भी कहा था कि मैं ओपन करूंगा, लेकिन शायद अब वो चीज़ बाहर हो गई है क्योंकि शिखर धवन भी अब मिक्स ऑफ थिंग्स में आ गए हैं। तो मेरे लिहाज से मेरे को लगता है टी20 वर्ल्ड कप में थर्ड स्लॉट खाली है ओपनर का, अगर तीन ओपनर्स जैसे जाएंगे तो उस स्लॉट पे लड़ रहे हैं अभी केएल राहुल और पृथ्वी शॉ, तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन? देखिए आपने पहले जो सवाल किया था वो था शिखर धवन के ऊपर, तो मैं आपको शिखर धवन के बारे में एक बात बताऊँ, तो शिखर धवन जो बिग मैच प्लेयर आईसीसी इवेंट्स के उनको किंग कहा जाता है कि आईसीसी इवेंट्स हो और शिखर धवन ना रन करे ऐसा नहीं हो सकता। तो शिखर धवन, आपने बार बार एक बात करी कि स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों कंसिडर किए जाते हैं, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। शिखर धवन स्कीम ऑफ थिंग्स में इसलिए कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि अगर आप इंडियन टीम फाइनल में उतरेगी तो शिखर धवन ने अगेन एंड अगेन ये प्रूव करके दिखाया है कि मैं सेमीफाइनल फाइनल्स में मेरे को प्रेशर नहीं आता, मैं अपनी गेम खेलता हूँ और जाके मैं स्कोर करता हूँ और टीम को एक विनिंग पोजिशन में रखता हूँ। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शिखर धवन, जैसे मैंने अभी कहा कि कैप्टनसी उन्हें क्यों दी गई, कैप्टनसी उन्हें एक यंग खिलाड़ी को भी कैप्टनसी दी जा सकती थी इंडिया बी साइड की, पर शिखर धवन को इसलिए दी गई क्योंकि शिखर धवन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इंडियन टीम का, सीनियर प्लेयर है काफ़ी। आप उनको सिर्फ इस क्रिकेट से मत देखिए कि वो इंडिया कितना खेले हैं, 2004 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके थे और तब से ही रन बनाते आ रहे हैं और बहुत एक और है शिखर धवन का जो कि वो फील्ड पे लेके आते हैं यंग प्लेयर्स को मोटिवेट करना, क्योंकि प्रेशर सिचुएशंस में होता क्या है कि माउंड लाइट करने के लिए शिखर धवन बिल्कुल थोड़ा सा होता क्या है कि इन बड़े सिचुएशंस मैचेस में यू नीड प्लेयर्स थ्री टू फोर प्लेयर्स इन योर टीम दैट आर देयर टू यू नो कोप अप द प्रेशर। सो आप अगर आप बिल्कुल यंग साइड उतार देंगे उनको तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमेशा एक आध प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए आपने जो स्कीम ऑफ थिंग्स में कही वो शिखर धवन है। और दूसरी आपने बात करी केएल राहुल और पृथ्वी शॉ की, तो देखिए प्रेफरेंस तो केएल राहुल को ही मिलेगी क्योंकि ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं, और जब बड़े मैचेस की बात की जाए अगर टी20 की बात करें और वर्ल्ड कप, आपने जैसे वर्ल्ड कप का कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप का तो मेरा यही मानना है कि केएल राहुल को ही खिलाया जाएगा और बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कवर्स के ऊपर एक डिफरेंस है, शॉट है जो मार देते हैं मीडियम पेसर्स को, क्योंकि जनरली होता क्या है मीडियम पेसर्स जो क्लास प्लेयर है थ्री क्वार्टर पे बॉल डालते हैं जनरली बैट्समैन को बैक फुट पे जाके डिफेंस करते हैं, पर अगर एक आपकी टीम में ऐसा प्लेयर है जो उसको बैक फुट पे यू नो ऑन द राइज कवर ड्राइव मार दे और सिक्स मार दे तो फिर वो चेंज हो जाती है सिचुएशन। और टी20 आप वैसे ही जानते हैं कि पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं टी20 में, कि पहले 6 ओवर में जिसने कैपिटलाइज कर लिया वो टीम ऊपर हो जाती है। तो उसी तरीके से तो मेरा ये मानना है कि रोहित शर्मा तो है ही है, शिखर धवन भी हैं और केएल राहुल भी है, पृथ्वी शॉ दो यंग मुंबई लैड अपकमिंग प्लेयर, बट उसके पास अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ऐसे टूर्नामेंट्स में आप सीनियर्स को उतारना चाहते हैं टीम में, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को उतारना चाहते हैं जो कि प्रेशर सिचुएशन में क्रम्बल ना करें एक्चुअली। तो उस हिसाब से जो आपका वो था, मैं यही बताना चाहूँगा कि यही जो 3-4 प्लेयर्स हैं शिखर धवन, केएल राहुल एंड रोहित शर्मा, यही टॉप ऑर्डर में आपको दिखेंगे।
और विराट कोहली तो फिर विराट कोहली तो तीन नंबर उनका भी तीन नंबर पर विराट कोहली कहती तो विराट कोहली पे फिर से विराट कोहली वाला जो टॉपिक हो थोड़ा लंबा होगा तो इसलिए उन पे आने से पहले मैं एक बार सूर्य कुमार यादव को काफ़ी वेट करना पड़ा अपने इंटरनेशनल कॉल अप के लिए। काफ़ी कंसिस्टेंटली 2-3 साल से आईपीएल में रन मारे फिर भी कॉल अप नहीं आया, लेकिन फाइनली इंग्लैंड सीरीज में उन्हें कॉल अप आया। वो इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू किया और जिस टाइम से उन्होंने डेब्यू किया उस टाइम से वो बिल्कुल ऐसे लगे हैं कि बिल्कुल वो रेडी थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आपको याद होगा उन्होंने पहली बॉल पे जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा था, मारा था स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत। हाँ, तो उन्होंने आते ही दिखा दिया था मेरा क्या इंटेंट है। और अब उसके बाद वो रुके ही नहीं, उन्होंने लगातार रन्स करे हैं 50-40, 30-50-40 कंसिस्टेंटली मार रहे हैं। अब मैं बहुत खुश हुआ जब मेरे को पता चला कि उन्हें टेस्ट कॉल अप आ गया, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है टेस्ट के लिए भी जिस तरह का उनका गेम है। तो इंग्लैंड की कंडीशंस सूर्य कुमार यादव के लिए काफ़ी टेस्टिंग होगी, क्योंकि सारे बैट्समैन जो काफ़ी बार इंग्लैंड जा चुके हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है इंग्लैंड में रन मारने में। तो ये तो फिर भी डेब्यू कर रहे हैं अपना, प्लस इंग्लैंड में ड्यूक की बॉल, स्विंगिंग कंडीशंस, शायद उन्हें शुरू में मौका ना मिले लेकिन काफ़ी लंबी सीरीज है, उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। तो टेस्ट फॉर्मेट में आप सूर्य कुमार यादव को किस उससे देखते हो? देखिए, टू आंसर योर क्वेश्चन, पहली बात तो आप ये मानिए कि किसी भी प्लेयर के लिए इंग्लैंड में परफॉर्म करना टफ होता है, प्लस अगर वो डेब्यूटेंट हो तो क्योंकि हमें याद है कि गांगुली ने 96 में या 97 में लॉर्ड्स में मेरे ख्याल से कम बैक में सौ मारा था, बहुत बढ़िया सौ था वो। और देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड में कैसा करेंगे, आप उनको ये देखिए कि सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड में उनको सिलेक्शन मिली है पहले तो अपनी बेसिस पे। और एक बार अगर आपको बात बताऊँ सूर्य कुमार यादव की, तो जो मुंबई जो है ये हब है क्रिकेट का, मुंबई में बहुत अच्छा टैलेंट होता है क्रिकेट का, हमें सबको पता है स्पेशली बैट्समैन का, क्योंकि फास्ट क्रिकेट मानी जाती है मुंबई की बहुत ज़्यादा। एक हैरिस शील है, बहुत सारी अजीब ट्रॉफीज है वहाँ पर, स्कूल टूर्नामेंट्स हैं, यंग लड़के तो मुंबई की जो एक जो मुंबई में जो उभरते प्लेयर है वो तो बहुत सारे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बट आपने बात करी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव का जो मैंने देखा है वो थोड़ा बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। तो जो बैकफुट प्लेयर्स होते हैं जनरली वो ऐसे सिचुएशन में, जैसे आप न्यूजीलैंड की कंडीशन मानिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस मानिए, इंग्लैंड की कंडीशंस मानिए, अब आप देखिए जो दिल्ली के जो प्लेयर्स होते हैं, दिल्ली के प्लेयर्स टिपिकल फ्रंट फुट प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि दिल्ली में बॉल बाउंस नहीं करता है। तो अगर आप दिल्ली में पीछे घुसेंगे तो आपकी डंडी पर आगे बॉल लेने वाली है। बट ऐसा होता है कि बाहर जाके आपको बैकफुट पे प्रिपेयर रहना होता है, कमिटमेंट नहीं करनी होती कि मैं आगे पैर फेंक दूं और खेल लूं। उसी तरीके से आपने देखा था कि इंडियन के बैट्समैन ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में थोड़ी सी एक मिस्टेक करी थी, अपना जो इम्पैक्ट्स होते हैं आगे जाके खेलने का, वो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी चल जाती तो अच्छी बात थी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की पिचेस पे आपको क्रीज के बाहर रह के नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बॉल वैसे ही बड़ा बाउंस करता है वहाँ पे, और ऊपर से वो स्विंग काटने के लिए सभी बाहर खड़े सब बाहर खड़े हो गए थे, वो एक गलत स्ट्रैटेजी हो गई वो, क्योंकि आप सभी एक ही धड़ल्ले पे चल रहे थे। और फिर अगर देखा जाए तो फिर वो साइकिल स्टैंड की तरह जा रहे थे सारे वापस पवेलियन में। तो मेरा मानना ये है कि आपको स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होती है विद इन मैचेस। और जैसे आपको मैं एक बार बताऊं, इंग्लैंड में जाने से पहले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो करते हैं वो बैकफुट पे करते हैं और फास्ट बॉलिंग की करते हैं, क्योंकि आपको बॉल जो इम्पैक्ट है वो ऊपर आके लगता है। तो दूसरी बात ये है कि सूर्य कुमार यादव अच्छे बैकफुट प्लेयर हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें टेस्ट मैच में चांस मिल गया, मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो अडैप्ट करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। मैच्योर प्लेयर है, क्योंकि आप देखिए जो एक मैच्योरिटी आती है एक प्लेयर की, वो थोड़ी सी आती है आफ्टर 25 या 26 ईयर्स ऑफ एज, 31 ईयर्स के हैं वो, कोई 21 साल के जो यंग खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे है नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं, बट बड़ा एफर्ट मार के इंडियन टीम में आए हैं। तो आई बिलीव उनको अपना ये जो चांस है नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे इस चांस को कैपिटलाइज करना चाहिए इंग्लैंड टीम में, इंग्लैंड में सॉरी सीरीज़ में। और एक चांस मिला है, क्योंकि आपको पता है इतना कॉम्पिटिशन है आजकल इंडियन टीम के लिए, अगर आपको चांस मिले तो आप मौके पर चौका मारें और टीम में अपनी जगह बनाएं। एक और चीज़, WTC पे आने से पहले दोबारा पृथ्वी शॉ गए हैं एज ए बैकअप ओपनर, क्योंकि शुभमन गिल इंजर होकर आए थे, लेकिन ऑलरेडी इंग्लैंड में इंडिया अपने रिजर्व स्क्वाड में अभिमन्यु ईश्वरन को लेके गई थी, और उनकी जगह उनको स्क्वाड में डालने की जगह इंडिया की टीम ने पृथ्वी शॉ को श्रीलंका से बुलाया। तो इस चीज़ को आप कैसे, एक अच्छी चीज़ मानोगे आप या बुरी चीज़ मानोगे? क्योंकि मैं इसको पर्सनली थोड़ा ठीक चीज़ नहीं मानूंगा, क्योंकि जब आप अभिमन्यु ईश्वरन को यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे बाहर लेके गए हो, तो फिर जब जब मौका आया उनको टीम में डालने का, तो आप उनकी जगह किसी और को बुला रहे हो,
तो उससे उस प्लेयर का कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो रहा है। बिना डेब्यू करे, बिना मैच खेले, आप उसके कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली हिट कर रहे हो कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, इसीलिए हमने आपको बाहर से बुलाना पड़ा, तो आप उनको लेके क्यों गए? देखिए शाश्वत, पहले तो आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर अभिमन्यु ईश्वरन की जो आपने बात करी, अभिमन्यु ईश्वरन को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मैं उनके साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ। उनके फादर का एक ग्राउंड है अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी के नाम से देहरादून में, और मैं उनके साथ, आप ये मान के चलिए, डीडीसी लीग भी खेला हूँ उनके अगेंस्ट, और मैंने उनकी जो एक क्रिकेट है वो मैं बहुत सालों से देखी है। और वो एक ऐसे बैट्समैन है जो जब खड़े होते हैं तो रन बनाते हैं। मैंने उनको अपनी नज़रों के सामने डीडीसी लीग मैच में वन साइडेडली 100 रन बनाते देखा है, और हमारे हमारी तरफ से मैच को निकाल के ले गए थे, वो मैच हम हार गए थे। और एक उनके फादर ने एक बुक मेंटेन करते हैं, उनके फादर जितने भी वो टूर्नामेंट्स खेले हैं, मैचेस, सीरीज, जो भी वो खेले हैं सिंस, आप लगा लीजिए जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट करी है, तो उन्होंने एक पूरा ऐसा एक रिकॉर्ड बना रखा है। और उस लड़के ने 20,000 रन बना रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर मैन ऑफ द सीरीज़ उनके फादर ने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, एक पूरी ऐसे, उनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने पूरी एक ऐसी बुक बना रखी है, और उस लड़के ने 20,000 रन मार रखे हैं, और 20,000 रन सारे टूर्नामेंट्स मिला के। और अभिमन्यु ईश्वरन ने हर जगह क्रिकेट खेली है, वो दिल्ली आके क्रिकेट खेलता था, वो बंगाल में जाके उसने क्रिकेट खेली, दिल्ली की लोकल क्रिकेट हमारे साथ बहुत खेला। तो पहली बात तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे को अच्छा लगा जब उसका स्क्वाड में नाम आया था, अच्छा लगता है कि जब एक इतना हाई परफॉर्मर लड़का एक टीम में आ जाता है। बट आपने अब दूसरी बात करी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, कि उस पर क्या पड़ेगा अगर वो के ऊपर पृथ्वी शॉ को बुला के खिला, कैसे पड़ेगा? तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि होता ये है, बुरा तो लगता ही है, इन दी एंड हर प्लेयर, एवरी प्लेयर इज़ ए ह्यूमन, बट कोप अप करना चाहिए इस चीज़ से। ऐसा नहीं कि मैं अगर एक रिप्लेसमेंट हो गई, तो मैंने ऐसे बहुत प्लेयर्स देखे जो रिप्लेस हो जाते हैं, बट वो जब भी उनको जो चांस मिलता है फिर वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि वो फिर दोबारा आते हैं। शिखर धवन को कई बार रिप्लेस किया गया था, बट उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन मारे। प्लेयर का काम रन बनाना होता है, सिलेक्शन तो आपके हाथ में है नहीं, सिलेक्शन तो जी सिलेक्टर्स करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा निराश या हताश नहीं होना चाहिए, इन दी एंड यू आर अ प्लेयर, आपको खेलना पसंद है, आप कहीं भी जाके खेलिए, अपना बेस्ट दीजिए। जंगल में मोर नाचा एक बोलने वाली बात होती है, आपको अगर आप परफॉर्मेंस करोगे, आपकी परफॉर्मेंस बेस नहीं जाती, आपको लोग कंसिडर करते हैं, आपको देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर उन्हें खेलना होगा तो वो ऐसे भी खेलेंगे, वैसे भी खेलेंगे, वैसे भी खेलेंगे। लेकिन ये जो टीम मैनेजमेंट की सोच की तरफ की मैं बात अगर करूँ, तो ये उनकी उनकी तरफ से क्या, देखो आप जो यंग प्लेयर्स हैं उनको आप ग्रूम करके उनको कॉन्फिडेंस देके बनाना चाहते हो आने वाले टाइम के लिए, और जो ये चीज़ हुई है ये मेरे को ठीक नहीं लगी, क्योंकि एक यंग प्लेयर पहली बार इंडिया के साथ जा रहा है इंग्लैंड, आप उनको अगर सिर्फ बिठाने के लिए लेके गए हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो यहाँ रहते अपनी गेम पे और काम करते, इफ़ ही वॉजेंट गुड इनफ तो आप ना लेके जाते उन्हें, उससे उनको और काम करते। ऐसे पृथ्वी शॉ को, और ये आज नहीं हुआ है, जब शुभमन गिल पहले इंजर हुए थे 3 मैचों के लिए भी सिर्फ, जब ये न्यूज़ बाहर आई थी कि 3 मैच के लिए इंजर्ड है, तब भी इंडिया की टीम ने बुलाया था पृथ्वी शॉ को, लेकिन वो तो और इंजरीज हो गई तो इसीलिए बीसीसीआई ने अलाउ किया, वरना पहले बीसीसीआई ने अलाउ भी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह गए थे, वो भी इंजर हुए तो इसलिए बीसीसीआई ने अलाउ किया। लेकिन फिर अब पृथ्वी शॉ, देखिए अभी तो मयंक अग्रवाल ही खेलेंगे, तो उस मयंक अग्रवाल ही खेलेंगे वाली सीरीज, मयंक अग्रवाल की जगह फिर पृथ्वी शॉ है सेकेंड ओपनर, थर्ड ओपनर की तरह अभिमन्यु ईश्वरन है। देखिए ठीक है, सो जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी आपने मेरे से पूछा तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक ये जो आपने देखा होगा ये करंट ट्रेंड है जॉब मार्केट्स में भी, एक ये ट्रेंड चलता है, इसको मैं क्रिकेट से रिलेट करता हूँ थोड़ा सा, कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है उसको एक प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है एक न्यू प्लेयर से या एक फ्रेशर से, आप ये मान के चलिए बात। तो जैसे जो बीसीसीआई की जो कंसिडरेशन में मेरे को जो लगता है वो सोचते होंगे, और जनरली मैनेजमेंट ऐसा सोचती है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को अच्छी सीरीज में और अच्छे मैचेस में डालना चाहते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स आई मीन जैसे पृथ्वी शॉ खेल चुके हैं तो उनके बारे में पता है कि अब अभिमन्यु को आप ट्राई करेंगे, ठीक है, मयंक अग्रवाल की आपने बात करी, वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं। तो ये जो मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, आपको प्लेइंग 11 में इतनी ईजिली जगह नहीं मिलने वाली एज अ न्यू प्लेयर, क्योंकि
बहुत सारे परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं और बहुत सारे परफॉर्मेंसेज लोग देते हैं। पृथ्वी शॉ की एक सीरीज़ बेकार गई तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। इसी तरीके से शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी है, वो तो इंजरी की वजह से वापस फर्स्ट चॉइस वही है। बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जहाँ तक मेरे को पता है, और शॉर्ट आर्म बॉल शॉर्ट लेंथ बॉल को ऐसे शॉर्ट आर्म जैब से मारते हैं। तो देखिए अभिमन्यु ईश्वरन को तो मेरे को ऐसा लगता है अभी भी यंग है, थोड़े से चांसेस मिलेंगे क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, अगर आप इस बात को माने तो बहुत सारे इवेंट्स जो ऐसे आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आईसीसी दे जा रही है। आईसीसी इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे फोकस ज़्यादा कर रही है, बैकलॉग क्रिएट हो चुका है, तो इस वक्त न्यू एंट्रेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। क्योंकि देखिए इतनी जो क्रिकेट जो खेली जाती है, क्यों कोई एसोसिएशन इतनी क्रिकेट खेलता है, कोई भी एसोसिएशन इसलिए क्रिकेट खेलता है कि वो टूर्नामेंट्स जीते, टाइटल्स जीते आईसीसी के। तो आईसीसी टाइटल जीतने के लिए तो आप अपने बेस्ट बेट लगाएंगे, बेस्ट प्लेयर्स ही डालेंगे उसमें। अभी तक इंडिया इतने टाइम से आईसीसी इवेंट जीत क्यों नहीं पाई है? देखिए इसका मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आईसीसी इवेंट जो एक धोनी के एरा में इतने सारे इंडिया के पास आ गए, तो इसको मैं लक नहीं कहूँगा, धोनी के पास टीम बहुत अच्छी थी। लक तो लक से तो स्पोर्ट्स जीता ही नहीं जाता, तो धोनी के पास टीम बहुत अच्छी थी। और दूसरा अब ये जो एक विराट कोहली के ऊपर भी प्रेशर चल रहा है कि भाई आप आईसीसी इवेंट्स कब जिताएंगे, आप तो सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन्स तले जाते हैं, बड़ा आईसीसी की कैप्टन या लीडर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, विराट कोहली अकेले ना जिता सकते हैं क्योंकि टीम गेम है, टीम को ही खेलना पड़ेगा। अब आप विराट कोहली अकेले जिता तो नहीं सकते, लेकिन जो डिसीजंस एज अ टीम मैनेजमेंट, अगर आप टीम मैनेजमेंट अगर नाम लेके बोले तो टीम मैनेजमेंट में दो ही लोग हैं, रवि शास्त्री विराट कोहली। तो जो ये डिसीजंस ले रहे हैं काफ़ी सालों से, और काफ़ी साल से दोनों साथ में काफ़ी टाइम से, रिजल्ट्स मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं आए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं होम कंडीशन में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती हैं। लेकिन कुछ डिसीजन जैसे 2019 वर्ल्ड कप, चार नंबर पे आपको मैं एक स्टार्ट बताऊँ तो चार नंबर पे अप्रॉक्सीमेटली 47 बैट्समैन टेस्ट हुए थे 2019 वर्ल्ड कप से पहले, और जिसने परफॉर्म किया अंबती राइडू, आप उनको लेके ही नहीं गए। एंड में कौन खेला 19 वर्ल्ड कप? विजय शंकर। और अब आप विजय शंकर बिल्कुल ही फ्रेम ऑफ थिंग से बाहर हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं बार बार ली जाती हैं, इस सवाल इसलिए नहीं उठता कि आप क्यों वर्ल्ड कप हारते हो, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप जिस तरह से वर्ल्ड कप हारते हो वो प्रॉब्लम है। वर्ल्ड कप हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर साल नहीं जीत सकते हो वर्ल्ड कप ऑब्वियसली, लेकिन जो आप गलतियां बार बार सेम करते हो, इसीलिए बार बार बात आती है कि विराट कोहली की कैप्टनसी का क्या आपको लगता है T20 वर्ल्ड कप लास्ट रिंग हो सकता है अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो? देखिए विराट कोहली जिस लेवल का प्लेयर है और जो उनका एक एक्सपीरियंस अब हो चुका है, जब धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी थी तो विराट कोहली को जब बेटन अपने हाथ में पकड़ाई थी कि आप अब कप्तानी संभालिए, तो ये नहीं सोचा गया था कि विराट कोहली कोई एक दो साल के कप्तान है। इसके पीछे एक आइडिया ये था कि ही इज़ अ लॉन्ग टर्म कैप्टन, वी हैव टू चूज समवन हु इज़ यू नो द सक्सेसर ऑफ धोनी, सो ही वॉज द सक्सेसर ऑफ धोनी। सो आई बिलीव विराट कोहली ठीक है आईसीसी इवेंट्स नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आप देखिए आप जो कंपैरिजन करते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है कंपैरिजन। अब आप विराट कोहली का कंपैरिजन सचिन से करते थे, पर अगर आप एक बात देखें तो विराट कोहली जिस एरा में खेले और सचिन जिस एरा में खेले और जिस एरा में सचिन तेंदुलकर जो एरा में बॉलर्स बॉल आके डालते थे, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वसीम अकरम, वकार यूनिस ऐसे बॉलर, कोहली, एम्ब्रोस, इनको सचिन ने इनके अगेंस्ट रन बनाए हैं। तो देखिए उस टाइम पे ये भी मैं अगर फर्क बताऊँ, अब काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं। उस टाइम पे जो जैसे अब वनडे में दो नई बॉल्स यूज़ होती हैं बोथ साइड से, तो उस टाइम पे ये सब नहीं होता था, उस टाइम पे रिवर्स स्विंग इसीलिए होती थी, अब इसीलिए नहीं होती। तो अब गेम थोड़ा बैट्समैन की तरह फेवरेबल हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इक्वल कॉम्पिटिशन थी, इसीलिए शायद हमें, क्योंकि उस टाइम के बैट्समैन और अभी के बैट्समैन में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि गेम इवॉल्व हुआ है विद टाइम, थोड़े थोड़े टाइम का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाश्वत बल्ला एंड वेलकम बैक टू आवर टॉक शो विद निर्मल जी, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं डिस्कशन के बारे में, तो अब हम सीधा जाते हैं बात करने इंडिया और वर्सेस श्रीलंका की T20 सीरीज। यह आखिरी चांस है यंग प्लेयर्स के पास अपने टैलेंट शोकेस करने का, क्योंकि ये वर्ल्ड T20 से पहले आखिरी सीरीज है जो इंडिया खेलने वाली है, और जो इसमें परफॉर्म करेगा वो अब तक आ जाएगा वर्ल्ड T20 की रेस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान किशन, जो सेकंड विकेटकीपर का स्लॉट है, फर्स्ट ऋषभ पंत है ऑब्वियसली, तो आपके साथ इंडिया की टीम में संजू सैमसन भी है इस वाले जो T20 स्लॉट है, तो आपके हिसाब से इस टाइम पे ईशान किशन और संजू सैमसन में से कौन ऊपर है रेस में? देखिए रेस में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से ईशान किशन ही है, क्योंकि ईशान किशन एक लेफ्टी विकेटकीपर बैट्समैन है, बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। और दूसरा खेलने की शैली, एक तो खेलने की शैली होती है वो संजू सैमसन की डिफरेंट है ईशान किशन की डिफरेंट है। संजू सैमसन ऊपर के बैट्समैन है, ऊपर जगह होती खाली है, जबकि ईशान किशन को रिसॉल्व वाला शॉट ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं,
तो देखिए मैं आपको बात करता हूँ, ईशान किशन को ही रिप्लेसमेंट माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक की टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टर तो मैं हूँ नहीं, बट आपने मेरे रिव्यूज पूछे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टीम्स भी ऐसी सोचती हैं और मैनेजमेंट भी ऐसी सोचती है कि भाई ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट अगर कोई है तो ईशान किशन भी माना जाएगा, क्योंकि एक ही तरीके के प्लेयर हैं, दोनों थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हैं, स्टेप आउट करके जो एक बड़ा हिट मारते हैं ईशान किशन, ये यही शैली ऋषभ पंत की है, यही शैली ईशान किशन की है। और दूसरी बात ये है तो कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो कीपर अगर कैच छोड़ दे तो मैच में प्रॉब्लम आ जाती है, और ईशान किशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत से कीपर है, कोई वो ऐसे किसी कीपर नहीं है कि एक बार कैच जैसे छोड़ दिया, कैरी अच्छा है और स्टाइलिश कीपर है, और दूसरा तो देखिए ईशान किशन को इससे भी कंसंट्रेशन में लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको करके दिखाया है, जैसे भी उनको चांस मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिया, टी ट्वेंटीज में भी दिया और मुंबई इंडियंस के बहुत साल तक वो एक प्रॉपर प्लेयर रहे, अभी भी है और काफी दिन तक उन्होंने परफॉर्मेंस करी, रणजी ट्रॉफी बहुत मारते हैं, झारखंड से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, धोनी का उनके साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि देखिए एक प्लेयर तो एक होता ही है प्लेयर, बट जब आप ऐसा मान लीजिए कि किसी एक बड़े प्लेयर से जब आप बात करते हैं, जब आप धोनी के क्लोजर, धोनी आपको छोटी छोटी मैच ट्रिक्स टिप्स बताते रहते हैं, आप उनके साथ रणजी ट्रॉफी खेलिए, झारखंड में ये खेलते हैं, तो मेरा मानना ये है कि तो वो कितना बड़ा रोल ले जा रही है और उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए शाहरुख, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो वरुण चक्रवर्ती अनकन्वेंशनल बॉलर है, क्योंकि आप ऑफ स्पिन जब डालते हैं तो ऑफ स्पिन लगभग छक्के ही खेलने आते हैं, एक ऑफ स्पिनर क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, एक ऑफ स्पिनर बस एक लेफ्टी को तंग कर रहा है, बट जो एक वरुण चक्रवर्ती का जो अनकन्वेंशनल बॉलर जो माना जाए वो राइट को भी तंग करेगा, वो लेफ्टी को भी तंग करेगा, वो लगभग सबको ही तंग करेगा, और दूसरा मेरे ख्याल से वो जो एक बॉल निकाल दिया कैरम बॉल फास्टर और फ्लिपर्स वो भी डालते हैं, सात तरह के बॉल डाल सकते हैं, तो आज के टाइम में जो क्रिकेट जो इवॉल्व हो गई है, जो क्रिकेट इतनी फास्ट है और स्पेशली टी ट्वेंटी में एक वो कहा जाता है चोर बॉल, जो जल्दी जल्दी में चार ओवर फेंक जाए और सुमड़ी देने चले जाए बच जाए किसी तरह और विकेट भी निकाल ले, उस तरीके के बॉलर वगैरह चक्रवर्ती है। और आपने बात करी टी ट्वेंटी सीरीज की, टी ट्वेंटी सीरीज के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि ये एक बेंचमार्क हो है जो इस टी ट्वेंटी सीरीज में परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप ये एक बार देखें तो ये जो कंडीशन है, जो आपने यूएई कंडीशन बताए, मिडिल ईस्ट जो हालात है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन है, श्रीलंका का सब कॉन्टिनेंट है, तो ये जो सबकॉन्टिनेंट कंडीशन की जो एक बात कही जाती है और इसमें जो परफॉर्म करेगा वो कंसंट्रेशन आएगा, आप इंग्लैंड की परफॉर्मेंस सबकॉन्टिनेंट की टीम नहीं बना सकते, तो ये जो सीरीज है जैसा यू आर राइट सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, सो आई बिलीव दैट इस सीरीज में जो परफॉर्मेंस रहेगी वो डेफिनेटली कंसंट्रेशन में ली जाएगी फॉर द टीम ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप। अगली बात जिसमें मैं रही हूँ चीता सारा रही है, कल उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया और ऐसा हो सकता है कि वो मैं कल अपना टी ट्वेंटी डेब्यू करते हुए देखें, तो उनके लिए सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चौथा पेसर अगर जाएगा तो शायद वो शॉर्टर भी बुरा नहीं है पूरी तरह से, काफ़ी सारे लोग हैं उस रेस में, नवदीप सैनी दीपक है, लेकिन मेरे को लगता है उस में सबसे आगे चीता सारा रही है और वो टीम मैनेजमेंट का भी यही मानना है कि काफी उनका जो सैंपल साइज है वो छोटा है, उन्होंने सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और सिर्फ फर्स्ट हाफ फाइनल खेला है, उसमें उन्होंने इंडिया को बना पाया, तो मेरे को लगता है बहुत आगे हैं उस सीरीज में, तो वो सीरीज में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा नहीं अच्छा भी परफॉर्म करते हैं तो वो जरूर हमें टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप साइड में देख सकते हैं। देखिए शाहरुख, मैं अगर आपको
चेतन शाकार के उसमें बताऊं कि आप जो बार बार सोच रहे हैं कम मैचेस और ऐसी परफॉर्मेंस है फिर भी कंसिडरेशन में क्यों लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्रिकेट एक जो क्रिकेट मैनेजमेंट होती है और जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं और जो क्रिकेट के जो गुरु या पंडित आप जो कह लीजिए, ये जो लोग होते हैं ये बेसिकली बहुत क्रिकेट के उसमें सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। ये चेतन सागर को ये एक एज अ सिंपल प्लेयर नहीं मानते, ये उसको लेफ्ट आर्म बॉलर मानते हैं। अब लेफ्ट आर्म बॉलर क्या होता है, लेफ्ट आर्म बॉलर जनरली लोगों को खेलना इतना ईजी नहीं होता जितना कम्पेयर टू राइट आर्म बॉलर, क्योंकि एंगल से बॉल आती है, स्विंग भी होती है, और दूसरा लेफ्ट आर्म बॉलर की बाउंसर इज अ वेरी टफ बाउंसर। इफ द बैट्समैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज अ राइट बैट्समैन, देन द लेफ्ट आर्म बॉलर इज अ वेरी डेंजरस बॉलर टू फेस। ये चीजें जैसे अगर चीजें मेरे को पता है तो ये चीजें टीम मैनेजमेंट को भी पता है, ये चीजें अपने कोचेस को भी पता है, तो इसलिए डाल रहा था। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इरफान पठान को दादा ने क्यों खिलाया था, वो इसलिए खिलाया था क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर ना उस टाइम पे आप देखे तो जबर श्रीनाथ बोगरा थे और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बॉलर थे, पर इरफान पठान को क्यों लाया गया, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर थे, इन स्विंग बॉल आती थी, पाकिस्तान के साथ हैट्रिक ली थी, तो ईजी आ गया था। अजीत अगरकर भी थे उस टाइम अगर आपको याद हो तो, लेफ्ट आर्म बॉलर तो इसलिए चेतन सागर को एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। और फिर आपको टीम भी तैयार करनी है क्योंकि यंग लड़के हैं, यही तो प्रजा ही खेलेंगे। और इंडिया ने इससे पहले जब खलील अहमद को भी खिलाया था वो इतना इंप्रेस नहीं किया, लेकिन इंडिया उनके साथ परसिस्ट करा और काफी मौके दिए उनको, लेकिन वो मार्क नहीं छोड़ पाए, तो इसीलिए उनको टीम से। खलील अहमद देखिए रणजी ट्रॉफी राजस्थान से खेलते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, होता है कि कई बार आपको कैपिटलाइज नहीं कर पाते हो अपना चांस, बहुत मौके दिए क्योंकि लेफ्ट आर्म ले सकते, तो लेफ्ट आर्म पेसर की बहुत सख्त जरूरत है इंडिया की टीम को, इसीलिए ही बार बार क्योंकि वो एक वो वॉइड बन गया। ज़हीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान, आरपी सिंह, बहुत सारे लेफ्ट आर्म बॉलर थे, ये इन्होंने जो अच्छा करके दिया, पर उसके बाद ये क्या बन गया, कोई ऐसा लेफ्ट आर्म उभर के आया नहीं जो इनकी जगह एकदम से इंडियन टीम में पकड़ लिया। अब आप देख लें तो इंडियन टीम में जनरली ज्यादा राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, आपका मैं नाम भूल गया एकदम से उनका, राइटी बॉलर मोहम्मद शमी है, तो सारे राइट ही चल रहे हैं, जो बुमराह है, बुमराह तो एक मेन बॉलर माने जाते हैं, तो आप ये देखिए कोई लेफ्ट आर्म ऐसा इंडियन टीम में नहीं आ रहा कि जो एक ऐसा बन जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चेतन सागरिया को ये एक मतलब तैयार किया जा रहा है, यू नो एक देयर इज अ वर्ल्ड सक्सेशन प्लानिंग, ये प्लानिंग की जा रही है कि आगे चल के ही इंडिया के लिए एक अच्छा बॉलर माना जाए। और आप देखिए एक लेफ्ट आर्म बॉलर किंग्स इलेवन पंजाब से भी गया है अभी, श्रीलंका का गए हैं वो लेफ्ट आर्म, तो आप देखिए मैनेजमेंट जो सोच मैनेजमेंट की सोच समझिए लेफ्ट आर्म ये चाहिए, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट आर्म होता क्या है, जब लेफ्टी बैट्समैन खेलते हैं एजेस लगते हैं स्लिप पे जाते हैं, राइट को दिक्कत आती है, तो इसलिए चेतन सागरिया को सीम ऑफ किंग्स में रखा था। अगली चीज राहुल चहर ने मुंबई इंडियंस को अकेले मैचेस जिताए इस आईपीएल में, राहुल चहर इंडिया के लिए अब काफी टाइम से खेल रहे हैं, काफी टाइम नहीं लेकिन जितना भी टाइम हुआ तो खेल रहे हैं, वो उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो इस चीज से उनका वर्ल्ड टी20 में तो जरूर मेरे को उनकी जगह लगती है। लेकिन अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो उसमें उस स्लॉट पर युजवेंद्र चहल है, और वो अब धीरे धीरे उन्होंने युजी चहल को भी टक्कर देनी शुरू कर दी है, तो अगर ये राहुल चहर का बहुत अच्छी सीरीज होती है और आने वाला आईपीएल भी बहुत अच्छा होता है, तो आपको लगता है कि युजी चहल की जगह हमें जडेजा और युजवेंद्र चहल की जगह राहुल चहर और तीसरे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, ये तीन स्पिनर खेलते हुए दिख सकते हैं आने वाले वर्ल्ड टी20 में? देखिए ये डिपेंड करेगा, तीन स्पिनर खिलाना डिपेंड करता है, वो हार्दिक पांड्या के खेलने पर, वो हार्दिक पांड्या खेलने पर डिपेंड करेगा, और दूसरा ये डिपेंड करेगा पिच को देखकर, क्योंकि कोई सी भी टीम हो, ये तो इंडियन टीम है, कोई सी भी टीम हो जब वो तीन स्पिनर्स खिलाना चाहती है
तो अगर ट्रैक फास्ट है तो क्यों तीन स्पिनर्स पर आपको लगता है यूएई में ट्रैक फास्ट मिलेगा क्योंकि तब तक आईपीएल हुआ होगा उधर प्लस वो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन है आईपीएल होगा तो विकेट्स वेरिएंट है होंगी तो स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी इस बात से मैं एग्री करूंगा बट जनरली होता ही है कि हमने वो यूएई की पिच देखी है जहाँ पे एक बार आईपीएल हो चुकी है शारजा वो पिचेस आप उनको आप समझते हैं कि वो पिचेस ऐसी हैं इंडिया जैसी पर इंडिया जैसी पिचेस नहीं होती वो थोड़ा सा फास्ट और बाउंसिंग ट्रैक्स होते हैं प्रॉपर स्पिनर ट्रैक्स नहीं होते तो मेरा मानना स्लोअर साइड पे होते हैं तो मेरा मानना ये है कि टीम भी डिपेंड करती है अगर आप एक सबकॉन्टिनेंट टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो शायद आप ना डालें कम स्पिनर खिलाएं सामने अगर आपका मैच इंग्लैंड से पड़ गया तो आप तीन स्पिनर खिला देंगे क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम फेस करती है वो तो खेलना इसी मीडियम पे जो फास्ट बॉलिंग चाहते हैं बाहर के प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और आपकी ये जो दूसरी तीसरी टीम होगी इंग्लैंड ये तो खेलना इसी मीडियम पे साउथ अफ्रीका तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप टीम सिचुएशन के हिसाब से और हार्दिक पांड्या जो आपने बात करी हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नहीं है और इस तरीके का बैट्समैन जिस तरीके का बैट्समैन है वो गेम अपने ऊपर लेके चलता है अपने कंधों पर भार उठाया कि मैं आऊँगा मैं तो वन साइड मैच कर दूंगा अपने छक्के वक्के मार के तो उस तरीके से आपने जो कहा कि हाँ वरुण चक्रवर्ती और ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है बट वर्ल्ड T20 सीरीज के लिए पहले मैं ही मानता हूँ ये सीरीज है इनको ये तीन मैचेस जो अगर जो ये खेलेंगे इसमें परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी और अच्छी ज़रूरत है उसके बाद तभी ये अपनी जो एक कंटेंडरशिप कहते हैं वो दिखा पाएंगे T20 वर्ल्ड कप के तो एक बार बस रैप अप करने से पहले क्या इस सीरीज की क्या प्रेडिक्शन है इंडिया श्रीलंका T20 वाइट वॉश या फिर देखिए मैं तो ये कहूँगा कि वाइट वॉश तो बेस्ट आउटकम हो सकता है और होना चाहिए मैं तो यही मानूंगा कि इंडिया वाइट वॉश ही करे बट अगर एक आध मैच श्रीलंका जीत भी जाए तो ऐसा नहीं है बट मेरे को लगता है जो प्रेडिक्शन आप अगर पूछे तो ये सीरीज बहुत इजीली इंडिया जीत जाए चलिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस टॉक होप करता हूँ कि आपको इस चैट शो बहुत अच्छा लगा हो और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और प्लीज इस चैट शो को शेयर करें हमें सब्सक्राइब करें और हमें देखते रहिए और अपडेट्स के लिए मैं हूँ शाश्वत भल्ला थैंक यू फॉर वॉचिंग